ये टू ड्राइवर कैसी बकवास गाड़ी चला रहा है, कहाँ ले आया मुझे? जो काम डॉक्टर नहीं कर सके वो काम हमारे शहर के रास्तों ने कर दिया। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि फिल्म बनाने के लिए ये कहानी में लिखा गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसा हकीकत में हुआ था और आपको हमारी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। मेरी जान लेने पे तुले हो क्या? उस्ताद, वहाँ तो देखो, वो आदमी मरने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसने प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया है। ये आदमी हमारे इलाके का तो नहीं लग रहा, उसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? आओ देखें। हमारे इस 2.5 किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं मरना चाहिए। अगर उसे मरना है तो इस इलाके के बाहर जाके मरे। पटरी पर ही खड़े हो जाते हैं। हाँ। तभी ये आदमी पटरी के बाहर खड़ा रहेगा। सही कहा तुमने। अरे क्या क्या चाहिए आप लोगों को? अब छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, भाई छोड़ो। क्या जरूरत है मुझे रोकने की? क्यों बे, खुदकुशी करने जा रहा है? अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना, जाने देना। अरे आप रुक जाओ उस्ताद, अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना तो ये खुदकुशी करना भूल जाएगा लौंडा। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ मरने थोड़ी आया था। तो पटरी पे खड़ा होके क्या कर रहा था तू? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ खुदकुशी के लिए नहीं आया था। मेरा इंटरव्यू था और मेरे सारे सर्टिफिकेट्स वो उधर उस बैग में है। लेकिन तुमने अपना बैग वहाँ क्यों लटकाया? इसका वीडियो देखा? देख ले यार। अरे बहुत मजा है भाई। अरे मस्त रे, यही अपना जो मरने चला था। ले कमेंट्स पर मजा आ गया। ये सब पढ़ के सुधर जाएगा बच्चू। इसे दोस्त की शर्म आती है यार। अरे वाह क्या बात है। यही प्रॉब्लम है। सच कहूँ तो कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। एक इंसान जरूर मेरी बातों का विश्वास करेंगे और वो है मेरे डैडी। क्या है? गोबर है सर। बिल दिखाओ। नहीं है सर, बिल नहीं है सर। बिल क्यों नहीं है? तो क्या चोरी का माल है क्या? आप सर गोबर कोई चुराता है क्या? ये क्या क्या सर? क्या लिखा है इस पर? वहाँ लिखा है रुकूं या जाऊं? हैं? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये जो पेपर्स तुम्हारे पास हैं, हमें जिनकी जरूरत है वो नहीं है, सारे फालतू हैं। तुम लोग जब भी गाड़ी लेकर निकलते हो पेपर्स क्यों नहीं रखते? लगता है एक्शन लेना पड़ेगा। एक इंसान जरूर मेरी बातों का विश्वास करेगा। तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ। ओ हेलो, तू किधर जा रहा है? आपने तो कहा चले जाओ। मैंने तुझसे नहीं कहा। इधर ला। गेट कीपर से कहते तो बैग निकाल कर दे देता। कौन सा बैग सर? मैंने उसको हाथ जोड़कर कहा कि मेरा इंटरव्यू है और मेरे सारे सर्टिफिकेट्स उस बैग में है। गलती से मैंने उसकी माँ का साकिना का कह दिया और फिर उसने मेरा बैग निकाल कर नहीं दिया। उसकी ऐसी की तैसी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पर वो नहीं माना। कितने लोगों से बात करके मैंने ये नौकरी दिलवाने के लिए रिकमेंड किया तुम्हें और तुम आकर बैग की कहानी सुना रहे हो। अच्छा हुआ डैडी वो नौकरी नहीं मिली। पता है तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 12,000 रुपए। ऊपर से आपको पता है सिर्फ आने जाने में 200 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, यानी आने जाने में 6,000 रुपए महीने। रोज 2 टाइम होटल में खाना खाना पड़ता है। सादे खाने का भी 100 से 200 रुपए हो जाते हैं और इसके अलावा हर महीने कपड़े, लत्ते, जूते, फेस वॉश वगैरह वगैरह का खर्चा। और अगर कोई दोस्त मिल जाए तो वैसा खर्चा। तो इसका मतलब हर महीने का 25,000 खर्चा। तो वो ऊपर का 13,000 रुपए आपको यानी कि मेरे डैडी को देना पड़ता था। अच्छा हो सर, आपका बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी समझ में आ गया? हाँ। तो ऐसा कर 1,500 रुपए फाइन लगा। भाई तुम्हारे पिताजी का कहना तुम क्यों नहीं मानते? शायद तू नहीं जानता कि मेरी पहली तनख्वाह कितनी थी। 50,000। क्या बोला? मेरा स्कोर 50,000 हो गया डैडी। जब भी कोई जरूरी बात करनी होती है तो गेम खेलता रहता है, हमेशा मोबाइल से चिपका रहता है। इतनी उम्र हो गई लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं। पता चल जाएगा बेटा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब समझ में आएगा। मेरे स्टैंडर्ड की नौकरी मिलेगी तब सोचेंगे, अभी फिक्र मत करो। नेवी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? ये एक मिनट शावर में नहीं रह सकता हूँ तो सालों साल में समुद्र में कैसे रह सकता हूँ? तो फिर दुबई जाकर कुछ कर ले। कैसी बात कर रहे हैं आप डैड? इतनी गर्मी में मैं काम कैसे कर पाऊंगा भला? मैं दुबई नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर बैंकॉक जाना है तो मैं तैयार हूँ। चाय लाकर यहाँ भी तो रख सकते थे। पीना है तो पी ले, नहीं तो छोड़ दे। जरा मैं भी तो देखूं कि इतनी मेहनत से कौन सा काम कर रहे हो। जिसके पास दिमाग हो वो बिना मेहनत किए काम कर सकता है। मैं बिजनेस करूंगा, बस मैंने सोच लिया है। बिजनेस करेगा? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मरीन ड्राइव में तेरे विंडमिल प्रोजेक्ट के लिए मैंने पीएफ से 1 लाख रुपए लेकर तुझे लोन दिया था, उसका क्या हुआ? डैडी सिर्फ 1 लाख ही तो डूबा है ना। क्या बोला? अगर वो टेंडर मुझे मिला होता तो 1 करोड़ मिलता मुझे। ऐसे कैसे मिल जाता? नसीब होना चाहिए, नसीब। मुझे एक ऑफिस चाहिए, फुल्ली एसी, 3 से 4 कंप्यूटर्स होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर भी होना चाहिए और स्टाफ भी। ये सब होने से ऑफिस का एक रिच लुक होगा। ऐसे बिजनेस होगा तो बस पेपर देखकर सिर्फ साइन करना काफी है। देखना मैं खूब कमाऊंगा। आप कौन से बिजनेस के ख्वाब देख रहा है? वो तो आप बताएंगे ना डैडी। रिटायर होने से पहले प्लीज मेरे बिजनेस के बारे में सोचिएगा। अरे ये मोबाइल मुझे दे। अरे डैडी क्या किया आपने? अरे इडियट, इतने सालों से मेरा खून पी रहा है, तेरा पेट नहीं भरा अभी तक। तेरे जैसे नालायक को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अरे जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मत। जा, निकल जा, निकल मेरे घर से अभी निकल। चल चल निकल। मैं तुझे 1 मिनट के लिए घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। खबरदार। डैडी 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 दरवाजा खोलिए प्लीज। डैड, आज तक मेरे डैड मुझसे इतने नाराज नहीं हुए थे और न ही उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की थी। और निकल यहाँ से, अब मैं तेरी सूरत भी नहीं देखूंगा। चल जा। लेकिन डैडी आपने मुझे यूजलेस फेलो कहा, यह भी कहा कहीं भी जाकर मर। अब देखिए मैं क्या करता हूं। हेलो रिसेप्शन, सामने वाले हॉस्पिटल का नंबर लगाएंगे। हेलो, ये हॉस्पिटल है? आपके हॉस्पिटल में कैजुअलिटी है ना? एम्बुलेंस है, ड्राइवर भी होगा। ज्यादा मिला दिया, इतना नहीं होना चाहिए। निकल निकल। सर, आपको कुछ चाहिए तो हमें बताना। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। कुछ चकना वकना चाहिए क्या? बोला ना कुछ नहीं चाहिए। ओ ठीक है सर, ठीक है। ये आदमी तो बड़ा कंजूस है। अरे सुनो। हाँ एक मिनट इधर आओ। हाँ कहिए सर। नीचे पब्लिक है ना? क्या हुआ सर? मतलब अचानक किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो। किसे ले जाना है सर? कुछ ऐसे ही बस। ये आदमी कंजूस के साथ साथ पागल भी है। सर एक मिनट आया। हाँ, आपसे मिलने कोई आदमी आया सर। सर आप इसी सर को मिलने आए हैं ना? हाँ सर, मैं इसी को ढूंढ रहा था सर। ठीक है आप जाओ। हाँ? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? तुम अकेले हो ना, वो तो नहीं है ना यहाँ? अच्छा अच्छा, छुपा के रखा है। तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी देखकर मुझे डाउट हुआ कि होटल में रूम लेने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। नहीं मैं तो यूं ही समझ गया समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। वो मैं करोड़पति बनने की खुशी में ऐश करना चाहता था ना, वो भी अकेला। मुझे भूल गए ना? क्या सोचा था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। और तुमने रोज को थैंक्स भी नहीं बोला, ये कोई बात होती है? कैसा दोस्त है? तुम्हारा फोन नहीं लगा तो उसने मुझे 3-4 बार फोन किया। दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। कौन बन गया करोड़पति? अब इसका मतलब तुझे नहीं पता? हमने विंडमिल का जो टेंडर भरा था ना, तुझे याद है ना हमने भरा था? हाँ। वो टेंडर पास हो गया मेरे भाई। सच कह रहे हो तुम? हाँ यार, मैं कब से ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुझे फोन कर रहा था, लेकिन तूने उठाएगा। रोज का रेकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग था समझा, इसलिए तुझे मिला, नहीं तो तेरे जैसे आदमी को खड़ा कौन करता। अब हम करोड़पति बनने वाला है रे, करोड़पति। क्या? अबे क्या हुआ? अबे हम नहीं, मैं। तेरा फोन दे मुझे। सबसे पहले रोज को फोन करके थैंक्स कहता हूँ। तू भले करोड़पति बन जा, लेकिन ये मत भूलना कि मैंने भी तेरा साथ दिया मेहनत में। इस कमरे में बहुत गर्मी है। अच्छा तो ये बात है। ये तो कहता था ये दारू नहीं पीता, लगता देसी ठर्रा उठा लाया है। लेकिन जब फोकट में मिले तो कौन छोड़ेगा। मजा आ गया। थैंक यू सो मच रोज। हाँ मिलते हैं, मैं आता हूँ। अब किस बात की चिंता है? मेरे डैड मुझे निकम्मा ही समझते हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अरे संभल। जाओगे ऐसे? वो आदमी यहाँ खुदकुशी करने आया था, अब वो हत्यारा हो गया। ओह शिट, उसने मेरा ड्रिंक पी लिया। पुलिस पर हाथ उठाते और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडों के हाथों एक पुलिस वाला मारा गया, उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लोगों को तो 20 चौराहे पर मारना। अच्छा भूल गया क्या था वो। एक मिनट रुक जा। यस कम इन। छे ये लोग भी कभी भी आ जाते हैं। सर तुम्हें बताया था ना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सर ग्लूकोज। मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए। ग्लूकोज सर, ग्लूकोज नहीं। हाँ? अपने डिपार्टमेंट के एसआई लुकास आए हैं। अच्छा उस लड़के का पिताजी। हाँ, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहता है मुझसे? एक होटल के रूम में अपने दोस्तों को बुलाकर उनके ड्रिंक्स में जहर मिलाकर मारने की कोशिश करने वाले लड़के के बाप से मैं क्या बात करूं? तुम ही बताओ। हाँ? आखिर वो चाहता क्या है? किसी और को गुनेगार बनाकर मैं उसके लड़के को बचा लूं? बताओ मुझे। अब चुप क्यों हो? हम कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। सर मिस्टर लुकास कब से बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ सॉरी। अन्याय के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने कौन खड़ा है मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ओके लुकास सर जरा सावधान रहना, एसीपी थोड़ा टेंशन में है। यहाँ का इंचार्ज बनकर मुझे सिर्फ 23 दिन हुए हैं और चार्ज लेने के बाद से सिटी में कहाँ क्राइम हो रहा है अखबार पढ़ने वाला हर एक छोटा बच्चा जानता है। शायद तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। पढ़ता हूँ सर, आपके बारे में पढ़ा है। डिपार्टमेंट में बहुत सारे चीते हो सकते हैं लेकिन शेर एक ही होता है और वो है पृथ्वीराज। हमारे डिपार्टमेंट के राजा आप ही हैं सर, सब यही कहते हैं। मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचाने वाला। सर प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है और हमारे पास इसका सबूत है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो कोर्ट फैसला करेगा। आम आदमी के लिए एक कानून और पुलिस के लिए अलग कानून। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ। दिस सिटी इज क्लीन सिटी। सर पिछले 29 सालों से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जी जान लगाकर सर्विस कर रहा हूँ और अभी तक मेरे सर्विस रिकॉर्ड में एक भी दाग धब्बा नहीं लगा है सर। और आप चाहें तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर। मुझे पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, इसीलिए आपके पास आया था। आप एक समझदार ऑफिसर हैं। अगर मेरे बेटे पर अभी कोई ब्लेम लग गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर। वैसे तुम्हारी बात अच्छी लगी। मेरे जैसा न्याय और अन्याय को समझने वाला ऑफिसर इस डिपार्टमेंट में शायद ही कोई होगा। सर इस मामले में विक्टिम खुद आपके पास कुछ कहना चाहता है सर। आराम से आओ। सर सच्ची बात यह है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता था। सर जो ने खुदकुशी के लिए दारू में जहर मिलाया था और वो दारू मैंने पी ली। ये बात सही है सर, वो बेकसूर है। सुनो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में डांटा था। तू तो अच्छी तरह जानता है ना कि मैं तेरी वजह से जिंदा हूं। बेटा तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है, कभी ना किया है क्या? आखिर तूने ऐसा किया क्यों? सॉरी पापा। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। तेरी माँ की मौत के बाद तेरे पिताजी ने ड्यूटी के साथ साथ तुम्हारी परवरिश कैसे की कभी सोचा है तुमने? 2 टाइम का खाना, साफ सफाई और कपड़े धोना, ये सब इतना आसान काम नहीं है बेटा। कई पुलिस वाले बाहर 2-2 बीवियां रखते हैं लेकिन तेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। बेटा इनका दिल मत दुखाना। अनजाने में मुझसे गलती होगी सर। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ तुम क्या काम करते हो? नौकरी नहीं, बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस? मरीन ड्राइव का विंडमिल प्रोजेक्ट टेंडर मुझे मिला है, मुझे जल्द से जल्द उसे इंस्टॉल करना है, आप समझे? ओह और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। वेरी गुड, माय बेस्ट विशेस। ओके थैंक यू सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है? श्योर सर, ऑल द बेस्ट। अब इसका बुरा वक्त खत्म हुआ और अच्छा समय शुरू हो चुका है। विंडमिल प्रोजेक्ट से इसकी जिंदगी में बहार आ रही है। ये क्या किया तुमने? ऐसा मेकअप करते हैं क्या? ऐसे मेकअप में देख के ना वो लड़का भाग जाएगा। वही तो मैं चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ऐसा स्पेशल मेकअप किया है। तुम बेकार में नाटक कर रही हो। मुंह धोकर आओ और फिर से मेकअप कर लो। तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे शादी नहीं करनी है। जब पिताजी को पता चलेगा कि लड़का मालदार है तो वो मेरी शादी उस लड़के से करवाना चाहेंगे। मालदार है तो अच्छा है ना? मालदार है तो अच्छा ही है, लेकिन उसकी वजह से उसकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि लड़के की उम्र ज्यादा है? वो मैं पिताजी की बातों से अच्छी तरह समझ गई थी। लड़के की उम्र जानने के लिए उसका फोटो देखना चाहती हूँ, लेकिन अब तक किसी ने मुझे उसकी फोटो दिखाई ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम देख लेना, एक ही नजर में उसे कैसे डरा देती हूँ मैं। उधर देख, लड़का तो कमाल का है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? पसंद आया ना तुम्हें? आइए। नमस्ते। हेलो हेलो, आप कुछ बोलिए। आप दोनों ही? जी हाँ, वो लड़की देखने के लिए सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। मुझे लगा इनके कोई दोस्त या रिश्तेदार साथ में आएंगे। मैं दोस्तों और रिश्तेदारों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। मुझे और भी कहीं जाना है। इनसे कहिए मेरा टाइम वेस्ट ना करें। इनके टाइम वेस्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल इनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे बिजनेस हैं इनके। अच्छा ऐसी बात है। आओ बेटा अंदर चलें। सर जी, एक जमाने में ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। मैं थोड़ी ना थिएटर कंपनी शुरू करने आया हूँ। इसमें शक्कर कम है। मैं अभी लाई। और दूध भी कम है। दूसरी चाय लाने के लिए कहूँ? तुम बनाकर ला रहे हो? ठीक है, फिर जाने दीजिए। चाय बाय छोड़े, काम की बात करते हैं। आपका रूम कहाँ है? सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा तुम्हारा रूम कहाँ है? कम ऑन, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, मिल सकती है? कम ऑन। ये क्या हो रहा है? सर जी, ये आजकल के बच्चे हैं, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सलोमी। सब मुझे सलो बुलाते हैं। तुम्हें लोग कुछ भी बुलाए, नाम कोई खास नहीं है। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का नाम लगता है। सलोमी। चलो नाम छोड़ो, तुम कितनी पढ़ी हो? MBA। आजकल तो MBA हर कोई करने लगा है। नो फ्यूचर। ब्यूटी पार्लर जाती हो? हाँ जाती हूँ। आजकल की लड़कियाँ सोचती हैं कि आईब्रोज करके, थोड़ा लिपस्टिक लगाकर, हर हफ्ते फेशियल करने से और लेगिंग पहनने से वो ऐश्वर्या राय बन जाएंगी। अगर ऐश्वर्या राय बनना इतना आसान होता तो हर कोई लड़की बन जाती। हा? पता नहीं कब सुधरेंगे। हे मिस्टर, आप मुझे देखने आए हो या इंसल्ट करने? सच पूछो तो यहाँ तक आने का डीजल चार्ज भी तुम्हारे पिताजी को देना चाहिए, ताकि आइंदा वो कभी भी तुम्हें किसी लड़के के सामने देखने के लिए खड़ा ना करे। ऐसा मेकअप किया। तुमने शक्ल देखी है अपनी? कौन शादी करेगा तुमसे? क्या खास है तुममें? तुम्हारी शादी इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अरे बेटा, यहाँ ही है। घर बुलाकर हमारी बेइज्जती कराते हो। क्या कह रहे हो? क्या बकवास लड़की है ये। बेइज्जती और मैंने? ये सब क्या हो रहा है? सर जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तू क्यों हंस रहा है बे? दांत दिखा मत, तोड़ दूंगा मैं। सर जी आपकी जैसी पसंद है वैसी बहुत सारी लड़कियां हैं इसमें, देखिए। तुम मेरी शादी करवा के ही रहोगे। आज जो देखिए वो लास्ट थी। अब किसी लड़की का रिश्ता लाना मत मेरे सामने, समझे? लेकिन सर पेपर में तो आपने ऐड दी थी। ऐसे कई और ऐड्स दूंगा मैं, तुम्हें उससे क्या लेना देना। हेलो, अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे मॉल जाना है, कुछ खरीदी करनी है। तुम साथ चलोगे या यहीं उतरना चाहोगे? अब यहाँ कहाँ उतरूंगा, मेरे घर के सामने छोड़ देना। यहाँ का सारा स्टाफ तुम्हें देख रहा है, तो इसके बाद कहाँ जाएंगे? चलो ऊपर चलते हैं, मुझे वहाँ शॉपिंग करनी है। पहले ऊपर जाकर देख लेते। रोज तुम ही चलो ना, तुम लोग जाओ मैं वेट करती हूँ। जरा पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। जो जो अच्छा ये यहाँ पर है, लेकिन ये ऐसे समझ गया। क्या समझ गया? आप इस लड़की को देखने आए हैं ना, सही है ना सर? अब कहाँ जा रहे हैं? अरे इसी तरफ तो आए थे, चले कहाँ गए? मुझे लगा पुतला है। अरे बाप रे, गिरी जाता। हाँ दे दो पहले यहाँ से निकलना होगा, जिसे भी देखो वही लगते हैं। अरे ये कैसी मुसीबत में पड़ गया मैं यार। अबे तू क्यों इतना आफरा है? अरे सर उस लड़के से बचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तू उसे जानता है? तो फिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो आपके बारे में पूछती तो झूठ बोलना पड़ता ना, इसीलिए मैं छुप गया था। अब क्या करता सर, मजबूरी थी। चलो ये सब कार में रख दो। पहले से पता होता कि आदमी ऐसा है तो वहीं पे उतर गया होता। दौड़ दौड़ कर दम फूल गया, जहाँ भी जाओ दौड़ाते रहते हैं। अब समझा सर आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। रोज रोज मटन चिकन खाने की आदत है ना, तो दाल भात कैसे अच्छी लगेगी, है ना। चुप कर, बकवास करता है। तुझे पता है वो कौन है? कौन है सर? मेरा और उसका रिश्ता एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी। की कहानी इंटरेस्टिंग है सर, बताइए ना, बताइए। सर सर अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं सर। काम क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो जल्दी करके आ सकते थे। अभी तो मैं जाकर आया। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा वो काम के लिए फ्लाइट से नहीं कार से गया था मैं। ऐसी वैसी कोई कार नहीं, बड़ी महंगी कार में गया था मैं। 3 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस गया था। कार में मैंने कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ। अरे जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? बार बार मेरी माँ का फोन आ रहा है। जिस काम की जिम्मेदारी लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ। तुमने कैसे पूरा किया है वो तो हम लोग बता ही देंगे। हाँ। लड़की बहुत सुंदर थी। घंटी बजी। सच कह रहा हूँ। हाँ? तुमने नहीं सुनी? सुनी। तो दरवाजा खोलना। खड़ा क्यों है बे? छोड़ मैं ही खोल के आता हूँ। अभी से शौक कैसे? अरे ऐसे क्या हुआ, क्यों घबरा रहा है? उसे कहता मैं नहीं हूँ यहाँ। देख भाई उसे अंदर मत लेना। कौन है जिसे देख के इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई? हाँ? देखते हैं जरा किस जंगल का प्राणी आ गया है। हाँ? रोज गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जो सुनिए वो है नहीं यहाँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं है। हाँ रोज रोज अरे ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। अरे क्या कर रही हो? लुक्का छुपी खेल रहे हो क्या? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तुमसे। ना तो मेरा फोन उठाते हो ना कॉल्स रिटर्न करते हो। पता है कितने मैसेजेस भेजे? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जब मॉल में मुझे देखकर छुप रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि चक्कर। मॉल? कौन सा मॉल? ये सब क्या मॉल से खरीदे हैं तुमने? तो कहाँ से खरीदा? मैंने ये वो मॉल से नहीं दूसरे मॉल से खरीदा। दूसरे वाले से? बस हाँ। बहुत हो गया। अच्छा। जो चलो अब घर चलो। चलो अब भी जाना है? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अभी के अभी चलो। रुको तो सही। कहाँ जा रहे हो? उस लड़की से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? अच्छा हैंडसम लड़के को वो ले गई, फिर उस लड़के को कहाँ तुम्हारी बातों से बुरा लगा होगा। लेकिन एक बात ये बताओ कि ये लड़की इसे लेकर क्यों गई? अरे ये तो कन्नी का महीना है। अरे उसे रोकना होगा। अरे रोको उसे, रोको। अरे रोको। अरे ले आजा ना। हाँ चल रही चल रही। अरे इसे दबाता। अरे आजा हुआ। चलो चलो। अरे भैया उसे रोकना है। भाई भाग नहीं चाहिए। जल्दी भैया उनसे पहले पहुंचो। अरे जल्दी चलो ना यार। अरे भैया कितना दौड़ाओगे? अरे ये क्या लेके घूम रहे हो? अरे रास्ते में मिल गया तो मैं इसे ले आया और क्या। अरे तो फेंको इसे। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। अरे भागो। अरे बेटा लोग तो मेरे को लेके चल रहा। कहाँ गए वो लोग? अरे क्या हुआ भाई? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जो। तुम पिताजी से मिलो और एक अच्छा फैसला लो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचता नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? तुम्हारी सोच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डैडी, हेलो डैडी, कहाँ है तू अभी? मैं एक अर्जेंट काम से अपने फ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ। वो अर्जेंट काम बाद में करना, अभी तू एसीपी के ऑफिस में पहुँच। एसीपी के ऑफिस? हाँ। लेकिन क्यों डैडी? क्यों और किस लिए मैं बाद में बताता हूँ, अभी तू 10 मिनट में वहाँ पहुँच। मैं वहीं पर मिलूंगा तुझे। लगता है कोई प्रॉब्लम है। डैडी बहुत टेंशन में है, मुझे उन्होंने तुरंत एसीपी ऑफिस बुलाया। मतलब आज भी बहाने बना रहे हो? प्लीज रोज, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें आज ही आकर कॉम्पेंसेट करना होगा। या श्योर। रोज प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो ना यार। यार तुम भी ना। सीट बेल्ट खोलना भूल गया। ओके बाय बाय। तुमने नहीं सुधरने की कसम खाई है। लेकिन हुआ क्या? मैंने अपने 30 साल के सर्विस करियर में किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन तेरी वजह से झुकाना पड़ रहा है। तू चाहता क्या है? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास चले आना। पहले हमें इसकी बात तो सुननी चाहिए ना। हाँ तो जो, चलो मेरे साथ। आओ। जवान लड़के शरारत करते ये तो आम बात है, लेकिन किसी को दुखी करना या उनकी बेइज्जती करना गलत बात है। तुम इनको जानते हो? बोलो। मैं नहीं जानता। इन्हें ठीक से देखकर बोलो। ऐसा लगता है कि कहीं देखा है मैंने इन्हें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। क्या जो, तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने इन्हें कहाँ देखा? जरा वो मोबाइल देना। तुम जहाँ लड़की देखने गए थे ना, वहां इसकी सहेली ने ये वीडियो निकाला है। किसी और लड़के की जगह लेकर तुम लड़की देखने गए थे, इसका मतलब है सेक्शन 490। और ऊपर से उस लड़की को तुमने शारीरिक और मानसिक चोट भी पहुंचाई। शारीरिक चोट पहुंचाई? लड़की को सताया है, सेक्शन 375। तुम्हारे खिलाफ ऐसी कंप्लेंट बताई गई है, इसका मतलब तुम्हें 12 साल जेल की हवा खानी होगी। मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? देख लिया ना सर, पहले तो ये कह रहा था कि मुझे जानता ही नहीं, और अब पूछा कि मैंने अपमान कब किया? सर मैं बेकसूर हूँ सर, पेपर में जो नंबर इन्होंने दिया था उसी से मैंने इन्हें कांटेक्ट किया था। इस आदमी को मैं पहले से नहीं जानता सर, अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? सर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, एक दोस्त की मदद करने के लिए गया था मैं। क्या मदद करना गुनाह है? बात ऐसी है जो, भले ही मुझे वो लड़की पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ उसी लड़की से मेरी शादी करवाएगी। तो अब क्या करोगे? बस सिर्फ लड़की वाले कहते कि मैं उन्हें पसंद नहीं, और ये काम तुम ही कर सकते हो। तुम मेरा यार है ना, मेरा ये काम कर देना। ओहो बेचारा। अरे नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना ये काम। जो के बच्चे, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? अरे छोटे से बता मैं क्या करूंगा। तुम्हारे पैर पकड़ कर रोएंगे और फिर तुम्हारे। बकवास बंद कर छोटे। देख जो, दोस्ती यारी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ। वरना तुम पछताओगे, समझे? अरे मान लो ना यार, इसको हेल्प करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये क्या किया तुमने? इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसने तो कुर्बानी दी है, कुर्बानी। आप इसे सपोर्ट मत कीजिए सर, इसे अरेस्ट कीजिए और जेल में डालिए। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम किसी विपक्ष पार्टी से मिली हुई हो। जरा रहम करो इस लड़के पर। एक लड़की के घर पे आकर उसका अपमान करने वाले टपोरी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। नो नो नो, किसी टपोरी को सपोर्ट नहीं करेगा ये शेर। अगर पूरा डिपार्टमेंट डरता है तो किससे डरता है? मुझसे। और ये बात तुम भी जानती हो, इसीलिए तो मैं आपसे कम्प्लेन कर रही हूँ ना सर। तुम्हारे पिताजी भी क्या यही चाहते हैं? पिताजी? अच्छा सुनो, पहले मेरी मजबूरी को तो समझो सर। मैं मेरे दोस्त फ्रैंकलिन की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर लड़की का अपमान आखिर कोई लड़का कैसे कर सकता है ना सर? करेक्ट। तुम्हारे में क्या कमी है? ऐश्वर्या और दीपिका भी तुम्हारे सामने फेल है। हेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करोगे और मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी? मैं मीठी मीठी बातों से तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे दिल से कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। इसका मतलब तुम्हें मेरा नाम, मेरी पढ़ाई और मेरी सुंदरता, तुम्हें सब अच्छी लगी है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझसे शादी कर लो। अरे तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई और मेरी सुंदरता बहुत अच्छी लगी। सबक तो सिखाना पड़ेगा ना पिताजी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जब पता चलेगा मैं किस किस मामले में फंसा हूँ, तब तुम तो क्या कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। आज भी मेरे पास और कोई चारा नहीं था, गलती हो गई, मैं तुम्हारे घर आया। एक विंडमिल की वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम शुरू हुए। एक और कहानी सुना रहा है। मैं जिंदगी से हार कर एक बार खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त ये विंडमिल प्रोजेक्ट ने मुझे बचा लिया। मेरा मजाक उड़ाने वाले मेरे दोस्त उनके सामने, और मेरे पिताजी जो मुझे निकम्मा समझते थे उनके सामने मुझे सर उठाकर चलने का एक मौका मिला। ये सब बिल्कुल एक लॉटरी की तरह। इस प्रोजेक्ट से मुझे 1 से 1.5 करोड़ तक का फायदा होने वाला था। बाय। तो तुम आ गए। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है भाई। कौन सी ख्वाहिश सर? तुम्हें वो टेंडर मिल गया है। दूध पियोगे? नहीं सर। तुम भी रोज की तरह दूध नहीं पीते हो, अच्छी बात है। अगर सबको दूध देने लगे तो हिंदुस्तान से दूध ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चश्मा उतारो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। डैडी आप भी ना। तुम्हें जो टेंडर मिला है वो इसकी सिफारिश से नहीं मिला है। इनोवेटिव प्रपोजल है तुम्हारा, कमेटी ने ये बात मानी। थैंक यू सर। इसको थैंक यू बोलो, इसी ने तुम्हारी रिकमेंड की थी। थैंक यू। अब सुनो, आइडिया तुम्हारा हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी ना, मानते हो ना? श्योर सर। इस टेंडर के लिए बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज ने कोटेशन दिए थे, लेकिन तुम्हें ये प्रोजेक्ट देना था, इसलिए नॉर्मल प्रोसीजर से हटकर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ इसी वक्त। अब बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी। थैंक यू सर। घबराने की कोई बात नहीं भाई। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट के वक्त कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। विंड मिल इंस्टॉल होते ही तुम्हारे बिल का फुल पेमेंट मैं सेटल कर दूंगा। हमें सब पता है किसके पास कितने पैसे हैं, और तुम्हारे पास तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे हैं, रोज ने मुझे बात बताई है। ओके। और ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई भाई। ये मेरा बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर ये कामयाब हो गया तो पूरे शहर में विंडमिल लग जाएंगे, और फिर ये पूरा शहर बन जाएगा एक बहुत बड़ा विंडमिल पार्क। एंड दैट इज माय ड्रीम। सारे विंडमिल तुम ही इंस्टॉल करोगे? ओके। तो ठीक है, साइन करो। जिस एजेंसी ने विंडमिल कामयाबी से इंस्टॉल किया था उसी का रेट हमने कोट किया था, और हमारा टेंडर भी पास हो गया था। लेकिन अब हमें एजेंसी को 1 करोड़ रुपए जमा करने थे, और इतने पैसे कहां से लाए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। चलो चलते हैं। अरे भाग यहाँ से, ऊपर देख, ऊपर ऊपर भैया। अरे रुको, नीचे देखो भैया। आए तुम लोग आओ। हाँ हम यहाँ हैं। संभल कर। हाय आ जाओ। यहाँ ये कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं? बेचारे गरीब होंगे, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे। चलो उनसे बात करते हैं। मैं नहीं आऊंगा। जब मुझे कोई इनसे ज्यादा गरीब मिल जाएगी तो फिर मैं। छोटे या कुछ भी नहीं है, ये शहर ही ऐसा है, हम मजे करेंगे। चल बाकी की बात बाद में करेंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, अब दांत दिखाइए। हाँ ये हुई ना बात। फोटो ठीक आई ना? सब ठीक है। ऐसे सूट और कोट में एक फोटो निकालो ना। तो क्या उस फोटो को देखकर मेरी माँ पता है तुम्हें क्या कहेगी? मैं बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा हूँ। आपने किसी को दिखाया? क्या कहा तुमने? किसी आंख वाले डॉक्टर को। क्या मतलब? नहीं, माँ की आंख में कोई प्रॉब्लम है क्या? पता है मेरा फोटो देखकर क्या बोली? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके जैसा दिखता हूँ। इसकी फोटो की यही खासियत है। हाँ, सही कहा। सच में तुम्हारी माँ की तारीफ करो। हाँ, बिल्कुल सच कहा। लड़ाई करना पसंद नहीं है। अच्छा ये बताओ हमारे फोटो क्यों? वो क्या है कि आपके फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में डालने हैं ना, अभी आप इतने बड़े फाइनेंसर जो बन गए। सोचिए अगर चड्डी में किसी ने आपका फोटो छाप दिया तो, इसलिए मैं ये फोटो छाप रहा हूं। वो तो है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं आपके सूट पे फोटो निकाल रहा हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। पहले ये बताओ उसके पास पैसे तो है ना? अरे पैसे क्यों नहीं होंगे, उनके रिश्तेदार अमेरिका में जो रहते हैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो लोग। उनकी गाड़ी जमीन पे भी चलती है और पानी के नीचे भी चलती है। क्या गाड़ी के नीचे मेंढक रखे हैं? सही सवाल पूछा तुमने। अरे ये क्या कर रहा है, प्लेन चला रहा है क्या? अब गधे ऐसे वक्त पे गेम खेलना जरूरी है क्या? चल उधर चल गधा कहीं का। चल ये भविष्य के बहुत बड़े कीरू भाई कंपनी है। डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आवर बिजनेस प्रपोजल इज। ये प्रोफेसर कौन है? मैटर क्या है? साफ साफ बताओ कि बात क्या है, और ये भी बताओ कितने मिलने वाले हैं और कितने देने हैं। हाँ ये बताओ। हाँ, ये बताओ। तो देखिए, आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप मुझ पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको 25 लाख दूंगा, 25 लाख। मेरा मतलब है अगर आप मुझे 1 करोड़ देंगे तो मैं आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। गॉट इट? और जब आप फिर से मुझे 1 करोड़ और देंगे तो मैं फिर से आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। और अगर आप फिर से मुझे 1 करोड़ देंगे तो तुम मुझे 25 लाख दोगे। एग्जैक्टली जब तक हम 10 विंडमिल इंस्टॉल कर लेंगे तब तक आप 2.5 करोड़ कमा चुके होंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 1 करोड़ का। और इतना प्रॉफिट आपको। भाई भाई सुन सुन, 100 की गिनती तक रुक जाना। हाँ, उसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लुक मिस्टर क्राउन है, दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। या तो आप ये बिजनेस डील चूज करो या तो इससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस चूज कर लो। That's your choice. Hey, रुको रुको रुको। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी से कैसे पैसे की बात करें हम समझ में नहीं आ रहा। अगर मुनाफा पक्का है तो माँ जरूर हाँ बोलेगी। पानी से पेट्रोल बनाना कीरू भाई का काम है। सोचो अगर पानी से पेट्रोल बन जाएगा तो सुनामी आएगी, तब क्या होगा? पैसों की सुनामी। प्रस्ताव तो अच्छा लगता है, हम ये बिजनेस कर सकते हैं भैया, और नहीं तो क्या। हमें मंजूर है। ओके। ये जो कौन है आइटम? चेयरमैन की बेटी है। अरे ये किसी की भी बेटी हो, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता? वो मेरी फ्रेंड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारे ऐसे सारे फ्रेंड्स को यहाँ लाया करो, ठीक है ना? जो कीरू भाई पब्लिक बहुत है। कितनी देर लगेगी? सॉरी। अच्छा लगा। क्या कहा? ये विंडमिल। इस उद्घाटन पर हम अपने मुख्य तो मुझे छोड़कर यहाँ के लिए आ गए। शब्द कहने के लिए अनुरोध करते हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका मंच पे स्वागत करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। भाइयों और उनकी बहनों, आपके सामने जो है वो ये नमूना है। मुझे तो ये खुद ही नमूना लग रहा है। एक बात कहना चाहूँगा, जब तक मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ ऐसे अच्छे काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप लोगों के प्यार से मैं गार्डन हो गया हूँ। वाकई नमूना है। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, विरोधी पार्टी कितना भी विरोध करे लेकिन माँ कसम मैं ऐसे प्रस्ताव लाऊंगा ही जिससे हमारे देश का भट्टा न बैठे, हमारा झंडा हिमालय से भी ऊंचा चला जाए। क्या कहते हो? तालियां। ये सामने भीड़ में जो साहब जो हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। समय से पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। इनको बचपन से इनकी माँ ने बहुत बादाम खिलाए थे। अब मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उद्घाटन का टाइम हो गया है। कैंची कहाँ है भाई? सर अभी स्विच का जमाना आ गया है। तो उद्घाटन कैसे करूं? सर स्विच दबाइए है, उद्घाटन हो जाएगा। लगता है इसने भी खूब बादाम खाया है। स्विच किधर है? वही है, वो उधर है सर। हाँ दबा दीजिए सर। भाइयों आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो क्या कहते हैं गर्व का दिन है। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर मैंने अपना आपको अकलमंद साबित किया। तुम बादाम खाते ही रहा करो। सोमवार को ऑफिस आ जाओ, चेक के साथ बादाम भी दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। अब खुश हो ना? हेलो मिस्टर, क्या आप ही इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं? मैं ही हूँ। हाँ। जरा आइए मेरे साथ, तुम्हारी तारीफ करनी है। हाँ जाओ ना, आइए। कुछ अंतरराष्ट्रीय पक्षी हमेशा यहीं उड़ते हैं, तुमने यहाँ इसे इंस्टॉल किया है, बहुत अच्छा। अब उन पक्षियों का सीजन आने वाला है और अगर इसकी वजह से उन पक्षियों का कुछ हुआ ना, हेलो। अरे बाप रे बाप। सुनो, चलो मेरे साथ। तुम भी क्या हुआ भैया? ठीक 7 बजे विंडमिल नीचे गिर गया। नदी में गिरने के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने देखा उनका कहना है कि जोर से हवा चलने के कारण ये विंडमिल गिर गया। इस हादसे से अभी तक कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि खराब मटेरियल। तुम तो कह रहे थे कि तूफान आने से पैसों की बौछार होगी, लेकिन अभी तो लगाए हुए पैसे हवा में उड़ गए। तो हम ऐसा है कि पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं विंडमिल को छोड़कर, है ना? खींच के मारो ना तो आँखों से पानी आएगा, हम उससे भी बिजली पैदा कर लेंगे। तो ठीक है वैसे ही करो। सुन, अनपढ़ गवार समझकर हमसे होशियारी मत दिखाना। मार के काट के जला कर राख फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी दिखाता हूँ। अरे पहले मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे गिन के हमने पैसे दिए है ना, वैसे अच्छी तरह हमें गिनकर लेना भी आता है। ए, बड़े बड़े पनीर के 2 टुकड़े उसके मुंह में ठोस दो, जिंदगी भर गाना भूल जाएगा। अरे देखो सर आगे, सर आगे, बताइए सर, बताइए क्या है सर, ये क्या रीजन है, बताइए सर, ये डील था या क्या था? प्लीज, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बोलने से मना किया है। अब विंडमिल बिजली से गिरी कि तूफान से, वो पता करके हम जरूरी कदम उठाएंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना? सर पूरी इंडिया में जिस कंपनी ने विंडमिल फिक्स किए हुए हैं, उसी कंपनी ने ये भी फिक्स किया। चुप कर, मजाक कर रहा तो? उस कंपनी से कांटेक्ट नहीं था हमारा, तेरे साथ था। नहीं सर, बिना फंड्स वो यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, क्यों तुझे बादाम खाने के लिए पैसे चाहिए क्या? ऐसी विंडमिल बनाई कि चालू होने से पहले ही गिर गई। हाँ, नाम खराब कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम, बादाम खाया कुछ कर, लेकिन वो सही करके मुझे दे, ठीक है? अगर मेरे ऊपर कुछ आँच आई ना तो तूने जितने बादाम खा रखे सबका तेल निकाल के मैं खुद पी जाऊंगा, समझ गया ना? एक तरफ चेयरमैन हेनरी सर और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और उसके 2 भाई। मैं जो भी काम करूं वो उनकी नजरों में बेकार है। मैं क्या करता? कर्ज लिए हुए पैसों का ब्याज भरने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आया था। एक और मुसीबत। सुनो, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। विंडमिल का गिरना और इतने प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे भी पता नहीं था सर। सर इनकी कहानी पर आप विश्वास मत कीजिए, आप बस मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। सर ये मेरी गलती नहीं है, मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझसे शादी करो। करोगे क्या? लगता है इससे शादी करने से तुम्हारा बेटा बच जाएगा और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। जाओ से मना लो। शादी में सर क्या लेन देन करने वाले हैं, अगर ये बात घर में होती तो अच्छा रहता सर। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, बस अभी शुरू हुआ है। रहना जाने क्यों हमेशा कैसे भी कुछ भी हो तुम ही तो ऐसे ही रहना। बीवी की बातों में गुलाम बन के तुम रहना जाने क्यों हमेशा कैसे भी कुछ भी हो तुम ही तो ऐसे ही रहना। बीवी की बातों में गुलाम बन के तुम कभी हो बन के तू तो छोरा किसी काम का नहीं, अब तो तुझे ही सब धोना पड़ेगा। घर पे भी बाहर भी हर जगह तुम भी मन को भी तन को भी बख्शेगी नहीं। चिल्लाओ कितना भी मानोगे नहीं, क्या करेगा छोरा। कभी होना नहीं मुश्किल सी घड़ी, बातों से इशारों से तुम्हें उल्लू बनाएगी। छुपके कहीं भी और कभी भी, ये तो बेचारा है हाय ओ रब्बा। की जो बातें सुने वैसे कोई पत्नी मिले, ये तो बस एक सपना है सच्चाई नहीं। रात को जो दूध लाए वो तेरी पैरों में गिरे, ऐसी कोई लड़की तुझे मिलेगी नहीं। मैंने शादी करके बेवकूफी की है, फिर क्या बोलूं हाथों में हथकड़ी है। बोलती रहो तुम भी कोई फायदा नहीं, बन गया तू बकरा। कभी हो मुश्किल सी घड़ी, बातों से इशारों से तुम्हें उल्लू बनाएगी। छुपके कहीं भी और कभी भी, ये तो बेचारा है हाय ओ रब्बा। कितना ब्रेक मारते हो, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। भैया जरा वहाँ तो देखिए, भाभी खड़ी है। जरा मेरी आइसक्रीम पकड़ो। गाड़ी बर्बाद हो गई, चींटियाँ आ जाएंगी, सबको काट के लाल कर देंगी। ये लो, यही देने आई हूँ तुम्हारे खिलाफ होने वाली कार्रवाई की डिटेल्स। पिताजी से छिपकर लाई हूँ, ये लो। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम ही डिसाइड करो कि क्या करना है तुम्हें। रोज मैं इनके साथ काम शुरू कर रहा हूँ, कुछ पैसों का भी इंतजाम मैंने किया है। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होगा, मुझे खत्म करके ही रहना है। अगर ऐसा करने वाले हो तो डैड से बात करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नहीं रोज, उनसे बाद में बात करेंगे, अभी जाने दो। ये तो ऐसे ही कहेगा, इसकी बात तो पुरानी बोरी की तरह है जो कभी भी फट सकती है। प्लीज, मैं सिर्फ उनसे बात करने आई हूँ। ठीक है, आपकी बात खत्म होने के बाद हम बात करते हैं। मुझे आपसे बात करनी है, आई एम वेटिंग। हाँ छोड़े, चल घूम और उधर चलते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम की असली जड़ मैं ही हूँ। मैं कितना हेल्प कर सकती हूँ उसकी लिमिटेशन तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन जो जब तुम सक्सेसफुल बनोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। हे रोजू, अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना। सुनो वो देखो। आपको नहीं लगता कि ये हमारे ही घर की कार है? कलर भी वही है और मॉडल भी वही है और नंबर भी वही है। विश्वास नहीं होता। हाँ, नंबर भी वही है। क्या देख रहे हो? जब देखो तीनों एक साथ घूमते रहते हो। कहाँ से आ रहे हो आवारागर्दी करके? आपको घर में कोई काम नहीं है क्या? वही तो पूछना चाहता था। और हमें क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। क्यों? मैं नहीं आ सकती? आ सकती हूँ ना, आ सकती हूँ ना। आपके आने की खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे तो सोचा कि साथ आ जाए। मेरी प्यारी बात। तुम खुश कब होते हो ना, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, ये लड़की कौन है? उसका नाम रोज है। रोज हो या कांटा, लेकिन ये बताओ तुम लोग इसके पीछे क्यों घूम रहे हो? माँ, वो दरअसल चेयरमैन की बेटी है ना। हाँ? और अपने बड़े भैया की गर्लफ्रेंड भी है। हाँ? ये मेरे का हट जा, जा रही है। बाय। यकीन नहीं होता कि इस लड़की का टेस्ट इतना खराब है। अरे अरे ये क्या मैडम, यहाँ थूकना मना है। जब से आई हूँ इसका नाटक देख रही हूँ। कार यहाँ पार्क मत करो, वहाँ पार्क मत करो, यहाँ मत थूको। है? तेरी औकात क्या है? देख मेरे बेटे जहाँ रहेंगे ना मैं वहीं रहूंगी। तू कर क्या लेगा? चल निकल यहाँ से। भाई जाना वरना और पड़ेगी। भाई अपने आप को संभाल। और तू सुन, तेरे विंडमिल बिजनेस का क्या हुआ? माँ वो अभी घूमने लगा है, बहुत जल्दी पैसे आने लगेंगे। घर का एसी खराब हो गया है तो मैं सर्विस कराने शहर आ गई, तो सोचा कि अच्छा तुमसे भी मिलती चलूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ। लेकिन ऊपर फ्लैट में नहीं आओगी क्या? चलो ना। पहला माला कौन चढ़ेगा? मेरे से नहीं होगा, मैं चलती हूँ। अच्छा। अच्छा सुनो। बोलो माँ। अब देर मत करना, अपने चर्च के उत्सव के दूसरे दिन ही तुम्हारी शादी होगी। मना मत करना, मैं करवा के रहूंगी। मेरी शादी? नहीं तो क्या, मेरी शादी। क्या बात है? इस तरह से छुप छुप कर किसको देख रहा है? मैं तो आपको बस यूं ही देख रहा था। अभी तेरे पास बाप के लिए टाइम है क्या? आजकल तो तेरे बारे में मुझे बाद में पता चलता है और ना ही तू मुझे कुछ बताता है। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया तो मैं भी तुझसे कुछ उम्मीदें रखता हूँ। क्या मैं तेरे बारे में कभी कुछ बुरा सोच सकता हूँ? बेकार की बातें करके मुझे और मत शर्मिंदा कीजिए डैडी। आप चाहते थे कि मैं अच्छा रहूँ, इसलिए आपने मुझे डांटा। देख बेटा, अपनी जिम्मेदारियों से घबरा मत। बिजनेस में नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। तुझे परेशान देखकर मुझे टेंशन हो रही है। सब ठीक हो जाएगा डैडी, फिजूल की टेंशन मत लीजिए। जब तक तू सेटल नहीं हो जाता मुझे तो टेंशन होगी ही ना। मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस तुझे सूट कर रहा है। एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? आपको ड्यूटी पर जाना है ना, टाइम भी हो गया है। लीजिए। सुन बेटा, तू कभी कभी घर पर आता है। अब आज तू घर पर है तो मैं छुट्टी लेता हूँ। मस्त खाना बनाएंगे और घर पर ऐश करेंगे, ठीक है? हाँ? लेकिन डैडी ऐसा क्यों? ये लीजिए आपकी कैप, आप रखिए। आपको लेट हो रहा होगा। ऐसा कौन सा काम है? हम शाम को मिलते हैं ना। लीजिए पकड़िए। ऑल राइट माय डैडी। चलिए। ओहो, जाइए ना डैडी, आपको लेट हो रहा होगा। चलिए ना। ये यहाँ क्यों आई? मैंने तो इसे नहीं बुलाया डैडी। ससुर जी काम पर जा रहे हैं क्या? हाँ बस जा ही रहा था, निकल रहा था। ठीक है आप जाइए, मैं तो इनसे मिलने आई हूँ। नहीं नहीं डैडी तो आज छुट्टी ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आज मैं छुट्टी नहीं ले रहा। डैडी डैडी आप जा रहे हैं तो? तुम्हारा रूम कहाँ है? क्या? मैंने पूछा तुम्हारा रूम कहाँ है? ये यहाँ कैसे आ गई समझ में नहीं आ रहा है। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हारी शक्ल देखकर शादी के लिए मान गई? तुम अपने आप को हैंडसम समझते हो क्या? ए, मुझे स्माइल क्यों दे रही है? तुम्हारी सहेली के साथ मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए। तुम देखना भले ही मेरी नाक कट जाए पर मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? नाक काटूंगा। तब तो ठीक है। हाँ मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारी शक्ल कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा मेकअप लगाओ ना तो जो कर लगोगे। अच्छे अच्छे सनग्लासेस पहनकर तुम खुद को सलमान खान मत समझने लगना। नहीं हो तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन अगर तुमने अकड़ दिखाई ना तो मैं भी अपनी इज्जत दिखा कर रहूंगी, समझ गए ना तुम? बहुत सताऊंगी मैं तुमको। नखरे तो देखो इसके। बहुत सादा हो रहा है। ओके ओके मैं चलता हूँ। यार मेरी माँ ने एक बहुत बड़ा हॉल बुक करके रखा है, लेकिन लड़की को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा लड़की को शादी के बारे में कैसे कहूँ। कौन सी लड़की को? रोज। मैं जानता हूँ ये काम तुम ही कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँ? वो मुझे नहीं पता, वो पहली नजर में ही आकर मेरे दिल में बस गई। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके एक एक पाई वसूल करूंगा। समझ गया तू? अब बता काम करेगा? कोशिश करता हूँ। हे विंसेंट, ये हमारा काम जरूर करेगा। ये देख वो चेयरमैन आ रहा है। कहाँ गई भैंस पानी में? सॉरी सर। हम इस प्रोपेलर को एक हफ्ते में फिक्स कर देंगे सर। अगर ठीक हो गया होगा तो तुम्हें चेक के साथ बादाम मिल जाएंगे, वरना चार चांटे। नहीं सर अभी जिंदगी में नहीं गिरेगा। और लूल हो गया तो? डैड ऐसी बातें मत कीजिए। अगर ये लुल हो गया ना तो हो जाएगी मेरी बत्ती गुल। ए अंग्रेज के छठे पुत्र, तेरा काम खत्म होने के बाद 2 हफ्ते तक मैं इसे देखूंगा। ये हुआ नहीं लुल तो पैसा मिलेगा फुल। Is it cool? डैड आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये तो पुंगी बजा गया। डैडी की बातों का बुरा मत मानना। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना तो फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए डैडी को कहूंगी। चला गाड़ी चला। भैया जरा उधर तो देखो। मेरी रोजू। इस बार विंडमिल नीचे ना गिरे इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लिए हैं सर? सर इस बारे में हमें आपका इंटरव्यू लेना है। देखिए इस बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। रोज। हे जो, तुम जरा पॉजिटिव सोचो ना। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने विश्वास को बुलंद रखो। इंटरव्यू दे दूं? बस बस एक मिनट। आई एम सॉरी, थोड़ा पानी चाहिए मुझे। लीजिए सर। थैंक्स। कितनी धूप है ना, आप काले पड़ जाओगे। अरे जो इतनी देर धूप में खड़े रहोगे तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये कौन है? ये मैं सामने कौन सी पिक्चर देख रहा हूँ? दो फूल एक माली। देखो जो, मैं अपनी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, समझ रहे हो ना तुम? अगली बार मैंने आपको उसके साथ देखा ना तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आप जानती हो उस लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है? इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं गैस करूं तो यू गेट लॉस्ट मैन। गेट लॉस्ट या गेट क्लोज? क्या हुआ डैडी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही ढील दे दी है। वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना, तो मैं जान सकता हूँ कि क्लास के बाद तुम्हारी कौन सी पढ़ाई होती है। वो सिर्फ मेरा क्लासमेट नहीं है डैड। जब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था ना, तब उसने मेरा ध्यान रखा था। ए छोरी सुन, वैसे ही मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हैं। तो आपका प्रॉब्लम मीडिया है? मुझे मीडिया की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है। और तू माथे पे चढ़ गई। तेरी बात सुनकर मैंने उससे विंडमिल का प्रोजेक्ट दे दिया और उसने उसका तिया पाचा कर दिया। अगर तू उसके और करीब गई ना तो मैं उसका ये टेंडर कैंसिल कर दूंगा। काम में कोई समझौता नहीं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। डैडी आप जिद कर रहे हैं डैड। हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी। हाँ, आप भूल गए मैं आप ही की बेटी हूँ। हाँ? बेकार की कॉमेडी कर रहा है, कोई जरूरत ही नहीं। जो आज मैं बाहर नहीं आ सकती, घर पे गेस्ट आए हैं। तुम यहीं आ जाओ, हम यहीं बातें करेंगे। आखिर मेरे घर आने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आप आ गए। हेलो, आइए आइए। नई गाड़ी है, बढ़िया है। थैंक्स। आप हवा के साथ बहते हैं क्यों, है ना? आइए आइए, अंदर आइए। ये ड्रिंक्स ले जाकर उन्हें दे दो। क्यों, आप नहीं दे सकती क्या? तुम देख रही हो ना मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बाकी सब में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है रोज। हेलो। हाँ लेता हूँ। कुछ दिनों पहले महाराजा स्कूल में सीनियर बनकर मैंने पढ़ाई की थी। तुम्हें याद है क्या? सॉरी मुझे याद नहीं। बेटी ये अभय कुरुविला है, तुम्हें याद है ना? नासिक में मेरा दोस्त था कुरुविला, क्लोज फ्रेंड। ये उसी का बेटा है, यहाँ भी आ चुका है वो। ये FCI का CEO है। FCI नहीं अंकल, फ्रेंच डेवलपमेंट अथॉरिटी, FDA। अरे एक ही बात है। कद्दू चाकू के ऊपर गिरे या चाकू कद्दू पे? हम ही फ्यूचर डेवलप करते हैं। अरे भाई इतना सारा काम करके लगता है तुम चांद पे फ्लैट खरीद लोगे, है ना? मम्मी मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक एक मेहमान आता है, मुझे सर्व करने कहते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे देखने आया है? अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम बात आगे बढ़ाते हैं। आखिर शादी तो करनी है ना। तुम भी ना मॉम। तुम्हें पता है ना वो लड़का करोड़पति है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है मम्मी। कहाँ है वो? बड़ी खुश होगी ना वो। किसी आरे गहरे को मुझसे कांटेक्ट दिलवा दिया और खुद बड़ी खुश है। अब क्या हो गया? इतने साल मेहनत करके मैंने जो इमेज बनाई ना, उसका सत्यानाश हो गया। हाँ अब तो तू खुश है ना? उस फ्रॉड को काम दिलवा कर मेरी बेइज्जती करवा दी तूने। तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। क्या हुआ डैडी? लुल हो गया दोबारा, वो विंडमिल लुल हो गया। अब वो तेरा दोस्त नहीं बचेगा। पता है एक आदमी की छाती पर गिरी है विंडमिल। अब तू सुन ले, इस प्रोजेक्ट को मैं रोकने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भगवान जरा देखो, देखो यहाँ टीवी में क्या हो रहा है। देखो अपनी आँख से देख लो जरा क्या हो रहा है। अभी तक कोई डिटेल्स नहीं मिली है सुरेश। पता नहीं किस हॉस्पिटल में उस आदमी को लेके गए हैं। पता लगते ही तुम्हें खबर कर देंगे सुरेश। मैं तो कहता हूँ पक्का मर गया होगा। खराब मटीरियल। वो जो का पट्टा जरूर जेल जाएगा। अब तक उसने बादाम खाया है, अब चाटे खाएगा। इसके बारे में बात करने के लिए केसीडी के चेयरमैन हमारे साथ फोन से जुड़े हैं। हेलो सर, आप सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकता हूँ। सर, दूसरी बार वो विंडमिल नीचे गिर गई। आम जनता की जान की रक्षा करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर है तो आपने क्या कदम उठाए हैं सर? देखिए, इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, इसलिए हादसे में जो आदमी घायल हुआ है उसका मेडिकल खर्च हरजाना सब कॉन्ट्रैक्टर को ही देना पड़ेगा। इस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे हट जा यार, पूरा रास्ता तो खुला है। आराम से भाई। भाई क्या हुआ तुझे? हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? विंडमिल हादसे में जिसे भी चोट लगी है उसे सरकार मदद कर रही है। सच में? चलो अच्छा है, हमारे भाई की वजह से हमें फायदा हुआ। अब हम जितना मांगेंगे हमें मिल जाएगा। मिलेगी, सॉलिड मार मिलेगी पुलिस वालों से। मेरी पुरानी सेटिंग ही सही थी, इन नए लोगों के साथ जुड़ना बहुत बड़ी गलती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? अरे बेवकूफ, आगे बोलिए। मेरे ऊपर 10 से 15 केस हैं और अब तक मैं कभी फंसा नहीं हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ पुलिस मुझे तुरंत उठा के ले जाएगी। खूनी और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं है। वो मुर्गी चोरों को क्या खाक पकड़ेगी? चुप गंजे, पुलिस से पंगा मत लेना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। अपनी अंडी जैसी आँख सिर्फ हमें दिखाते हो। सुनो, मुझे उस कुर्सी पे बैठाओ। हाँ भाई, चलो भाई, उठाओ। इस तरफ तेरा पाप आके पकड़ेगा। मेरा पाप नहीं, मैं आके पकड़ूंगा। जरा संभल कर भाई। चलो। अगर किसी को पता चल गया कि वो फैन मेरे पीठ पर गिरा था तो तुम मार खाओगे और फिर हमारे दुश्मन हमें देखकर हंसेंगे। देखिए भाई, आपके पीठ पर चोट लगी है, घबराइए मत, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। गिरते हुए खंबे को अपनी छाती से रोकने की कोशिश की और इसके वजह से आपके पीठ को थोड़ी चोट लग गई, बस इतना ही हुआ। आपको फिर से चलने में बस 6 महीने लग जाएंगे और बस इसी नुकसान के लिए हम उनसे छोटी सी रकम मांगने वाले हैं, बस इतना ही। जरूरी नहीं है, हम कानूनी ढंग से ही पैसे ले सकते हैं। बिना कानून की मदद लिए और पुलिस की मदद लिए बिना हम धमकी देकर पैसे वसूल लेंगे। धमकी किसे देंगे? जिसने सबल से उसे गिराया था। मेरे छोकरों को देखते ही उनको डर लगना चाहिए। मेरा नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। हाँ। चलो, आज तो सबक सिखा के रहेंगे। रुको, तुम्हारे मांगते ही अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या? तो धमकी देकर ही पैसे लेना। ठीक है भाई। भाई ये क्या? आप सो रहे हैं? ओए, पेट के दर्द की वजह से आराम कर रहा था। ये लोग मेरे दोस्त हैं और एक केस में फंस गए हैं। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता ये लोग यहीं रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस क्या है? अब तू बता ना। अब ओ भाई केस क्या है? बलात्कार का केस है, एक लड़की के साथ। ये कहाँ पर हुआ था? वो फ्लैट में हुआ। देखिए भाई, आजकल ये केस तो फ्लैट में ही होता है। इधर एक मिनट रुको। जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने आना। और क्या हुआ मुझे बताना। अंदर आओ। कैसा है ये सब? है ये देखो, फेसबुक में इस पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे, टोटल 12,516। अभी क्यों लॉन्ग लीव चाहिए तुम्हें? घबराओ मत, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढेंगे। ये इशू बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो कहीं छुप गया होगा। यही बात होगी, नहीं तो हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। सर, मेरा बेटा अभी गुनहगार है। सोसाइटी और कानून को धोखा दिया है उसने। अब ऐसे बेटे का बाप होकर मैं ड्यूटी कैसे निभा सकता हूँ सर? वो गुनहगार है ऐसा तुम सोचते हो? इतनी सी बात पर तुमने खुद फैसला कर लिया? तुम एक बात समझ लो। कौन सी बात? तुम्हारा बेटा गुनहगार है या नहीं है कोई तय नहीं कर सकता। ऐसी सनसनी खबर दिखाने वालों की हमारे देश में कोई कमी नहीं। हमारी इस हालत को दिखाकर उन्हें पैसे नहीं कमाने देंगे, कभी नहीं। हिम्मत से काम लेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे को किसी ने फंसाया है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो, ये तो मेरा डाउट है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। और तुमसे भी इस बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं सर, मुझे बताइए। इस फोटो को देखो, जब वो खंबा गिरने वाला था तब मैं भी वहां था, क्योंकि नशा बेचने वालों को पकड़ने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल के रखा था। अब्बास, माल देना। रुक, अब्बा रुक। यहाँ जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी थी? वो विंडमिल का खंबा टूट गया, उसकी वजह से एक आदमी को चोट आई है, उसे इस रास्ते से ले गए। अच्छा। लेकिन उस चोट लगे हुए आदमी को हॉस्पिटल में किसी ने भर्ती नहीं किया। उस आदमी को ले जाने वालों में से किसी की कोई खबर नहीं मिली। इसका मतलब वो जो भी है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम कोई जानबूझकर कर रहा है। अब अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो उसे बचाना हम दोनों का फर्ज बनता है। वो बात ऐसी है। आपके ऊपर खंबा गिरने का कारण कौन है पता है? कौन है? हाँ, ये देखिए, देखो कौन है। देखा आपने? दोनों भाग गए भाई। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो, जाओ। ये सब निकम्मे हैं। भाग ले, तू आ जाएगा फिर पीछे रास्ता। चलो जल्दी चलो, क्या कर रहे हो? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, फटो चलो जल्दी, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी कौन है? उस रात को ये मुझसे बचकर भाग गया था। चले क्या? हाँ चलिए। तू मेरी चौखट पे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, एक बार इज्जत गई तो गई। जो तुझे बात करनी है ऑफिस में आके करना, कल जा भाग जा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है सर। मेरी मदद करते करते आप खुद प्रॉब्लम में फंस गए। आपकी बहुत बदनामी भी हुई। इन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप और रोज मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। बुरा वक्त था इसलिए ये सब हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम सब ने मिलकर उसे अकेला कर दिया, अब खुश हो ना? May I come in, sir? Yes, come in. ओके ओके श्योर, वाई नॉट, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। हाय जो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मुझे अचानक से देखकर तुम्हें शॉक लगा होगा ना। आपके बारे में सब कुछ इसने मुझे बता दिया है। तुम दोनों के बीच हुआ हुआ एग्रीमेंट भी इसने बता दिया है। मैंने इसे नहीं बताया कि मैं आपको पहले जानता था। मैं इसे सस्पेंस रखना चाहता था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना, उसमें केसीडी की चेयरमैन की बेटी और ये दोनों मेरे जूनियर थे। नहीं, मुझे याद नहीं है सर। कॉलेज में तो तुम हीरो से कम थे क्या? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा साउथ का कोई बड़ा स्टार आ गया। सर वो तो मैंने जवानी के जोश में किया था। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। बताओ आपका क्या प्रोजेक्ट है, उसका आइडिया बताइए। अरे बैठिए ना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बैठिए ना। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे अगर आप देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। ओह नाइस, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। थैंक यू सर। दैट्स राइट, दो बार जो प्रोजेक्ट रुक चुका है उस पर अब क्या डिस्कशंस करने, बेकार में ही। अब मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय, मैं बाद में करती हूँ। हाँ। सब रेडी है क्या? तो आप लोग रेडी हैं? जो तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अगर इतनी टेंशन लोगे तो लाइफ में कामयाब कैसे होगी? जस्ट डू इट यार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या आप सभी कुछ देर के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं प्लीज? यस प्लीज। आई टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स। आजकल 1 मिनट के लिए भी हम अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते, हमारी आदत सी हो गई है। मुझे जिस चीज की जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यही मेरी कोशिश थी। अगर मैं इसमें जीत जाता हूँ तो इसका फायदा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम सभी को होगा। थैंक यू। ग्रेट। हम सब मिलकर तुझे भूल गए ऐसा रोज सोच रही थी। अब मैंने साइन कर दिया। अब तो तू खुश है ना मेरे गार्डन के रोज? थैंक यू डैडी। हाँ, मिलाओ हाथ, करो बात। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सर, मेरा बेटा वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर रहा है, लेकिन इस टाइम वो प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट करेगा क्योंकि हमारा पूरा डिपार्टमेंट उसके साथ है। What's happening? They are welcoming you. All are excited. You know, are you serious? देखिए सर, जहाँ भी जाएंगे पुलिस वाले खड़े हैं। इन लोगों को उनका पूरा सपोर्ट है। ये हमें छोटा सा भी मोर्चा नहीं निकालने देंगे। आगे गए तो पीटेंगे। नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। हम पार्टी की मीटिंग में इसका फैसला करेंगे। चलो भाइयों। विंडमिल नीचे गिर चुका है, अभी से नहीं हटाएंगे। अरे हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लोगों की वजह से हम भी मेहनत कर रहे हैं। बताइए, दो बार गिर चुका है। क्या बढ़ाया बात कर रहा है? All arrangement are complete. अब ये लोकेशन मेरा है, इसे मैं संभालूंगा। जरा होशियार रहना, कल उद्घाटन समारोह है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अच्छा वो लोग हैं कल जो नाइट ड्यूटी कर रहे थे, वो इडियट्स। हाँ, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। हाँ चलो जरा गाड़ी रोकना। आगे बताइए, आप भीड़ मत कीजिए। इस छछूंदर को देखकर लग रहा है जैसे आसमान से टपके और खजूर में अटके। क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे चलिए। चलिए पीछे पीछे। अरे बात को समझिए, भीड़ मत कीजिए। सर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे क्या चाहिए वो कुछ बता ही नहीं रहा। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो मोर्चा निकला था वो उसमें शामिल था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे इसे उतारो, ये मर गया तो मेरी कुर्सी गोल हो जाएगी। फायर सर्विस को इन्फॉर्म किया आपने? हाँ सर वो आती है। ये मुझे दो। आपको क्या चाहिए बताइए। आप चाहे तो हम इस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। आपकी जो भी मांग है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार है। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुदकुशी से आपकी मांग पूरी नहीं होगी। सर, सर, सर हमें किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है सर। इसी आदमी ने विंडमिल को गिराया होगा। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे हल कर देंगे। सब लोग नीचे आने के लिए कह रहे हैं। नीचे आने के लिए तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं नीचे आना चाहता हूँ सर, लेकिन चक्कर आने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। नहीं सर मैंने नहीं गिराया सर, मेरी हालत तो देखिए। डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ और धीरे धीरे उठो। हाँ। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मुझे ऐसे ही ले जाइएगा। इसको तो एक चांटा लगाना चाहिए। हटो यहाँ से। चलो 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 पीछे हटो। चलो चलो सब लोग यहाँ पे। इसे नीचे रखो। मैं अभी बता। आपको समझता क्या है? बताओ बोल। तूने ही 2 बार विंडमिल को गिराया था। सर मैंने नहीं गिराया, जरा मेरी हालत तो देखिए। झूठ बोलता है, मार मार कर खाल खींच लूंगा। देशभक्ति के जोश में मैंने अनजाने में ऐसा कर दिया। गांव में और घर पर मेरी कोई इज्जत नहीं करता। फेसबुक पे डालने के लिए मेरे बच्चे मेरा फोटो मांग रहे थे। अभी तो बहुत सारे लोग फोटो निकालने आए होंगे, इसे देखकर मेरे बच्चे खुश होंगे, लेकिन इसे गिराने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने वालों को बांध कर मारना चाहिए। ये तो सरदर्द है, ये तो सरदर्द है, ये तो सरदर्द है। जरा सुनो, अपने विंडमिल को सही टाइम पर ऑन करना। हाँ, मैं लंबी लंबी फेंकने नहीं आया हूँ, लेकिन ये जो मोर्चा निकाल रहे हैं इनसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं कि बिना एक पैसा खर्च किए हम इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेंगे। एक बार जब ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तभी हम चेक इशू करेंगे। इसीलिए हमने कोई उद्घाटन समारोह भी नहीं रखा है यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? जब तक कल्प्रिट का पता नहीं चल जाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं हट गई थी। पता नहीं तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन उसकी वजह से एक अच्छा काम हो गया। तुम्हारे प्रोजेक्ट को बर्बाद करने वाले को मैंने ढूंढ लिया है। तुम्हारी मदद करने वाला ही तुम्हारा दुश्मन है। कैसा लग रहा हूँ? हाँ, अच्छे लग रहे हो। तुम तो मस्त हीरो लग रहे हो। ठीक है, अब ये देखो, किसी ने इसे लव लेटर दिया है। हाँ। इसका नाम हमसा है। लेकिन ये लड़का कौन है जिसने ये लेटर लिखा है ये बता ही नहीं रही है, और इसे लव लेटर का जवाब भी देना है। वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? बताओ मुझे। अरे कौन है? क्यों मारे मुझे? छोड़ो मुझे। उस लड़के ने मुझे क्यों मारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कमजोर दिल था और मुझसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हुई, और बदनाम होने के कारण मैं दोबारा कॉलेज में भी नहीं गया। कुछ सालों के बाद, जिंदगी में कामयाब होने के बाद जब मैं कॉलेज गया तब तुमसे शादी करने का इरादा था, लेकिन जिन बातों को मैं भूलना चाहता था वो सब फिर से याद आ गई, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे विंडमिल को गिराना है। आप सिर्फ जेब ढीली कीजिए, विंडमिल नीचे कैसे गिराना ये मैं समझता हूँ। काम पक्का हो जाएगा ना? उसकी चिंता छोड़कर आप आराम से बादाम खाइए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा और फिर तुम दोनों के साथ ये प्रोजेक्ट सफल करना चाहता था। उसके बाद भी मेरे दिल में बेचैनी हो रही थी, मैं तुमसे खुलकर बोल नहीं सका, इसलिए मैंने रोज को सारी बात बता दी। आई एम सो सॉरी जॉय। इनकी फ्रैंकनेस मुझे अच्छी लगी, और जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा कि मेरी फ्रीडम और हमारी फ्रेंडशिप मेरी शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इनसे शादी करने का फैसला कर लिया है। इतने दिनों से जो मेरा दुश्मन था, आज वो अपनी गलती कबूल कर रहा है। अजीब बात है। तुम्हारे जैसे विलन को मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू सर। थैंक यू किस लिए? ये एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। आई एम श्योर सर, आई विल नेवर लूज। थैंक यू जो, लेकिन अब मुझे सर मत कहना। कॉलेज में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मुझे हमेशा संभाला। यू आर वेरी ग्रेट सर। तुम ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है कि तुम्हें ये लड़की कितनी पसंद है। जो विल श्योरली रीच ग्रेट हाइट्स। ये लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन इसकी लगाम हमेशा तुम्हारे हाथों में रहेगी, ये तो मुझे पक्का पता है। आप लोगों की टेंशन कम नहीं हुई ना? बस एक हफ्ते इंतजार कीजिए, जिस किसी ने ये विंडमिल गिराया है उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा। जब तक मैं हूँ घबराने की जरूरत नहीं, मेरी सिटी हमेशा क्लीन सिटी होगी। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ।